नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रो राघो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अचानक अपार धन चाहिए तो ये 6 उपाय आजमाइए। परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन सांसारिक सुखों को हासिल करने के लिए जो धन चाहिए वो अगर बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं मिल रहा है तो ज़रूरत है अपने जीवन की बाधाओं को समाप्त करने की, और ये उपाय आजमा कर देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अचानक धन की तमन्ना है तो सफ़ेद रंग की ध्वजा पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। सोने हुए कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु समन व अचानक धन की प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़ करके पीछे नहीं देखना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के हेतु लोहे का पात्र लेना चाहिए और जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इस प्रयोग से जीवन में चमत्कारिक रूप से अनुकूलता पैदा होने लगती है, धन आने लगता है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प ला करके अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट करके रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलता पूर्वक से जुटा लेता है। या तो नाग केसर का पौधा किसी शुभ मुहूर्त में ला करके घर पर लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। या तो गूलर के 2 फूल या फल ला करके अपने पास रखें। फूल तो जल्दी से मिलता नहीं है, फल ही मिल सकता है। गूलर का फल ला करके अपने पास रखने चाहिए। समानता गूलर के फल आरंभ में छोटे जो है झरबेरी के फल के समान ही होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर के नींबू के बराबर हो जाते हैं और ये कच्ची कली अवस्था में हरे होते हैं तथा पकने पर लाल हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं भगवान दत्तात्रेय की उस पर कृपा हो जाती है और उसके पास जो है धन का आगमन होने लगता है। उपाय करें आपको लाभ होगा। अगर आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है तो हमारे जो है चैनल के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपने जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जो है बताएंगे आपको, विधि समझाएंगे। धन्यवाद।